सुगंधा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। सना थॉमस, हु इज माय फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम केरला, हैज बीन ट्रेनिंग मी एंड माय हस्बैंड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ। कोविड के चलते क्योंकि जिम्स बंद हो गए थे तो उन्हें केरला जाना पड़ा और वहां से उन्होंने एक रेसिपी की रिक्वेस्ट करी है। तो पहले देखते हैं उनका वीडियो एंड देन वी स्टार्ट विद द रेसिपी। हाय मैम, दिस इज सनल फ्रॉम केरला। मैं YouTube में आपका सारा वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हमने ट्राई भी किया था बहुत बार, जो लास्ट टाइम जो आपने डाला था धुंगार चिकन, बहुत अच्छा लगा था। आज मैंने एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूँ। हमारा यहाँ पे केरला में एक मेरा एक फेवरेट डिश है, उसका नाम है परिप्पू वड़ा। सो वो एक टी स्नैक्स तरह हम यूज़ करते हैं, वो चावल के साथ भी हम खा सकते हैं। वो अपना स्टाइल से इनोवेट करके आप एक वीडियो अपलोड करोगे। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सनल थॉमस ट्रेडिशनल और ओरिजिनल रेसिपी खाके थोड़ा सा बोर हो गए हैं एंड ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्विस्ट एंड एन इनोवेशन इन द रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना परिप्पू वड़ा विद अ ट्विस्ट ऑफ अचारी मसाला टू इट, जिसको मैं बोलूंगी अचारी दाल वड़ा या अचारी परिप्पू वड़ा। अचारी दाल वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे अचारी मसाला। ये बहुत ही वर्सेटाइल मसाला है जिसको आप अपनी रेगुलर करीज जैसे पनीर की सब्जी, चिकन करी में भी डाल सकते हैं एंड इट विल बिकम अचारी चिकन करी और अचारी पनीर मसाला। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून ऑफ दाना मेथी। विल ग्राइंड इट टू अ कोर्स पाउडर। इस मसाले को मैंने पीस लिया है दरदरासा। अब इसमें कुछ और चीजें मिलाएंगे एंड आर अचारी मसाला वुड बी कंप्लीट। इसमें मैं डाल रही हूं 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, ड्राइड मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून ऑफ कलौंजी। इसके अलावा सिर्फ एक चीज और जो है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अचारी मसाला इज रेडी। आप चाहें तो इसको एक बॉटल में स्टोर करके भी रख सकते हैं, यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस रेसिपी। दाल इस रेसिपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके लिए मैंने 1 कप चने की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल को धो के भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। अब इसे पीस लेंगे विदाउट एडिंग एनी वॉटर टू इट। चने की दाल को पीसने से पहले 2 चम्मच दाल हम अलग निकाल लेंगे और ये क्यों निकालनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। दोनों दालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें जो 2 चम्मच चने की दाल थी मैं वो डाल रही हूं। उसके बाद 1 मीडियम प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्ची चॉप्ड, 2 टेबलस्पून धनिया बारीक चॉप्ड, 8 से 10 कड़ी पत्ते जिनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 अचारी मसाला है जिससे मिलेगा हमारे दाल वड़े को वो सारा फ्लेवर। इसको मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून। सॉल्ट एज पर टेस्ट। उसके साथ मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच तेल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना वैसे ही आपको इसको नीड करना है। दाल वड़े का बैटर तैयार है। अब इसके वड़े बना के उनको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे अपनी हथेलियों में और उसको ग्रीस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेके ऐसे उसको अपनी हथेलियों के बीच में
प्रेस कर लेंगे। इसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। अचारी दाल वड़ा बनाने के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ बेस्ट ड्रॉप लाइट का रिफाइंड कॉर्न ऑयल। बी श्योर इट्स प्योर। डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड रिकमेंड कॉर्न ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, जिसमें से एक है दैट इट इज रिच इन गुड फैट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। It is also free of cholesterol and saturated fats, which keeps you healthy. और एक चीज, जो लोग अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं उनके लिए भी ये highly recommended है because it keeps you fit and slim. और taste ऐसा कि आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। Corn oil का एक और benefit है, it has a high smoke point. High smoke point होने की वजह से it is ideal for frying. और दूसरे तेलों के मुकाबले ये 25 से 30 प्रतिशत कम इस्तेमाल होता है, विच मेक्स इट इकोनॉमिकल आल्सो। तेल गरम हो चुका है, चलिए वड़ों को फ्राई करते हैं। इसकी बाइंडिंग के लिए हमने दो चीजें यूज करी हैं, जो है उड़द की दाल और चावल का आटा। पर जब आप पहला वड़ा फ्राई करेंगे और अगर आपको लगे कि बाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें 1-2 चम्मच चावल का आटा और मिला सकते हैं। दाल वड़े को मीडियम फ्लेम्स पे फ्राई करना है और फ्लेम्स हाई नहीं रखनी है, वरना ये बाहर से बहुत जल्दी कुक हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। सो कीप द फ्लेम्स ऑन मीडियम। दिस इज ऑलमोस्ट डन, just a minute more. Our vadas are ready, let's dish them out. Traditionally इस दाल वड़े को सर्व किया जाता है किसी भी साउथ इंडियन चटनी के साथ में, पर मैं इसको सर्व करूंगी अनारदाने की चटनी के साथ। अनारदाने की चटनी के लिए यहां क्लिक करें। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि स्वाद मसालों में नहीं, स्वाद होता है आपके हाथों में। और एक और बात जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि खाली सनल को ही नहीं, आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई अपनी रेसिपी मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो अपना एक शॉर्ट वीडियो बना के मेरे मेल आईडी पे भेजिए। आई विल इंक्लूड दैट वीडियो इन माय रेसिपी।